गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वाइब बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है बिकॉज मैंने शॉर्ट्स में तो बहुत सारे मेरे गेट रेडी विद मी आप लोगों ने देखे हैं एंड रिस्पॉन्स जो भाई उस पर मिलता है, सो थैंक यू सो मच। टुडे आई डिसाइडेड टू शूट लाइक अ गेट रेडी विद मी बिकॉज आई हैव टू गो हिट जिम, तो उसके लिए टाइम नहीं होता, मेकअप स्किन हेयर का ड्रामा नहीं होता, टाइम भी बहुत कम होता है, तो फटाफट से रेडी होते हैं। एंड क्योंकि मैं ये लॉन्ग फॉर्मेट में ट्राई कर रही हूँ, तो लेट्स सी आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है। लेट मी क्विकली गो गेट माई आउटफिट्स एंड लेट मी शो यू कि मैं क्या कैसे करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आई हैव दीज पैंट्स जिसमें सबसे बेस्ट चीज़ है जो इसमें पॉकेट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। सपोज फोन दो दो हो गए तो एक कैरी कर लिया, और वॉक के टाइम पे तो परफेक्ट है। सो दीज आई हैव फ्रॉम रॉक पेपर सीजर, और मेरा इसमें साइज है स्मॉल। लेट मी ट्राई दिस ऑन फर्स्ट। वेल सो आई रियली लाइक द फिट एंड ऑलरेडी जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है वो इट हैज़ टू बी पॉकेट्स ऑन बोथ द साइज। एक्चुअली ब्लिस क्लब की भी मैं ट्राई करती हूँ ना, उसमें भी एक साइड पॉकेट मिलता है, बट उसका भी स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। शुड आई टेल यू द प्राइस ऑफ दिस वन? दिस आई गॉट फॉर 649। आई रियली लाइक इट फॉर द प्राइस पॉइंट एंड सिंस आई एम वेयरिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है चलो उसको ट्राई ऑन कैमरा पे ही करते हैं। एंड ऐसा होता है ना कि जिम वेयर मेरे पास हैं, बट अब क्योंकि रोज जाना होता है तो यार कम पड़ ही जाते हैं, और हर चीज़ इतनी महंगी लेना, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक बार थोड़ा सा अफोर्डेबल कैटेगरी को भी थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं हाउ इट इज। सो आई रियली लाइक द फिट एंड एवरीथिंग। एंड फॉर टॉप वेयर गेस व्हाट आई हैव दिस फ्रॉम क्लोविया, मैं इसकी बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ एंड मैंने इसमें लिया है साइज स्मॉल। इसमें मैं ऑलरेडी बहुत बार इसको पहन चुकी हूँ, सो दिस लेट्स क्विकली ट्राई इट ऑन। ओके सो दिस इज हाउ दिस टी शर्ट लुक्स ऑन मी। अभी देखो इनिशियली क्या होता था, मेरे को चस्का था कि यार ठीक है जिम हिट करूंगी, स्पोर्ट्स ब्रा पहन के निकल जाऊंगी, समथिंग वेरी टाइट रील इंस्टा वर्दी एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन वेन लाइफ फिट्स यू ना, मतलब वो जो प्रैक्टिकलिटी की जब मैं बात करती हूँ ना, तो उसमें आता है कम्फर्ट फर्स्ट। ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स ब्रा में कंफर्टेबल नहीं हूँ, उसमें भी बहुत सारी कवरेज आती है, बट देन आई फील लाइक हैविंग टी शर्ट ऑन इज समवॉट, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं अपना बहुत सारा फोकस डेडिकेट कर पाती हूँ व्हाइल आई एम वर्किंग आउट। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। आई स्पेशली लाइक दिस, इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं, बट देन इसका स्पेसिफिकली मटेरियल ना सॉफ्ट ड्राई फिट टाइप का है, क्विक अब्सॉर्बेंट, तो स्वेट वगैरह की टेंशन ही नहीं। कंप्लीटली दिमाग से स्लिप हो गया बात करना अबाउट द स्पोर्ट्स ब्रा व्हिच आई एम वेयरिंग। सो करंटली आई एम वेयरिंग द ब्लिस क्लब वन, इसको मैंने अमेजोन से लिया था, एंड ऑब्वियसली वर्किंग आउट या जिम वगैरह कुछ भी आई कैन नॉट इवन इमेजिन विदाउट वेयरिंग अ स्पोर्ट्स ब्रा। सो आई टोल्ड यू मुझे बस थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्ट अब विद टी शर्ट ऑन लगता है, सो दैट इज़ वाई। एंड येस आई हैव माई शूज़, सो आई हैव दिस लाइक इन फुटवेयर, ये पीच कलर के स्पार्क्स के मैंने अभी रिसेंटली यू नो लिए हैं। दीज आई ऑल्सो गॉट फ्रॉम अमेजोन बाय द वे, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 549 रुपीज़ के लिए थे। इससे पहले मैंने एक प्यूमा के भी यू नो फुटवेयर में यू नो इन्वेस्ट किया था, दैट वॉज लाइक अ इन्वेस्टमेंट क्योंकि मैंने वो लिए थे ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ के, बट आई सेड कि एवरी डे के लिए कभी ना कभी यू फील लाइक कि यार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, सो दैट इज़ वाई आई वेंट विद दिस वेरी लाइट एंड यू नो वेरी गर्ली सॉर्ट ऑफ कलर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो आई क्विकली वेयर देम विद दिस सॉक्स ऑन। विद फुटवेयर ऑन आई इमीडिएटली फील वेरी पम्प्ड अप एंड एनर्जेटिक, मुझे एकदम से कूदने का मन करता है। एंड इससे पहले कि मैं फटाफट से मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ, आई हैव टू टेल यू मैंने अगर मेरी प्रिफर्ड क्लास जो होती है वो होती है योगा, एंड फॉर दैट मैंने अमेजोन बेसिक्स का एक योगा मैट में भी इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज़ लाइक रियली गुड और थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिक है। आई हैव दैट इन पिंक कलर, आई विल शो यू द फुटेज क्योंकि अभी वो गाड़ी में है मेरे पास में। एंड क्योंकि अभी मैं लेट हो रही हूँ, तो लेट्स क्विकली डू माई हेयर एंड थोड़ा सा लेट्स स्मेल गुड। ओके आई थिंक ये थोड़ा सा TMI टाइप का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बट आपको ये बेसिक स्क्रंचीज मिल जाती होंगी मार्केट में, काफ़ी चीप आती हैं, आती तो ये भी चीप है, बट देन दिस इज माई प्रिफर्ड स्क्रंचीज व्हेन आई एम गोइंग एंड वर्किंग आउट, क्योंकि इससे ना मुझे ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो लेट मी क्विकली शो यू हाउ आई लाइक टू डू माई हेयर विद दिस स्क्रंची। सो आई क्विकली ग्रैब ऑल माई हेयर इन अ हाई पोनी एंड देन मैं सिर्फ इसको दो बार ट्विस्ट करके लगा देती हूँ। आई विल नॉट मैं इसको इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करूँगी कि मेरे को रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट कूल अगेन। सो मैं इसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से बांधती हूँ, बट देन जब मैं जंप कर रही हूँ, जंपिंग जैक्स वगैरह कुछ करती होती हूँ, तो ये इतना ज़्यादा बाउंस होकर एकदम यू नो ईजी लूज भी नहीं हो जाता। सो दिस इज़ वॉट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट। सो फॉर सनस्क्रीन आई हैव दिस वन फ्रॉम फॉक्सटेल, ये ड्यूई सनस्क्रीन है, तो थोड़ा सा ऐसे नहीं लगेगा कि स्वेट आ रहा है, बट हाँ ड्यूईनेस आ जाती है। सो आई क्विकली अप्लाई दिस, वैसे मेरा बेसिक 3 finger रूल होता है, बट देन जल्दी में तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। एंड आई हैव दिस स्प्रे सनस्क्रीन फॉर माई बॉडी, थोड़ा सा लिप बाम सो दैट माई लिप्स आर मॉइस्चराइज, एंड ऑल्सो आई विल टॉप इट अप विद अ लिटिल बिट ऑफ परफ्यूम, और ये स्पेसिफिकली वेरिएंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, दिस फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग वनिला वाइब्स, यू ऑलरेडी नो।
एंड फाइनली अ स्मार्ट वॉच. वैसे बहुत सारी चीज़ें से ट्रैक करना इजी हो जाता है कि आप में वाटर इंटेक की कमी है, आपको कब क्या पानी पीना है और क्या कैलोरी आपने बर्न करी है और क्या वर्कआउट से आपको कितना कुछ बेनिफिट होने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई रियली लाइक इट. इसको भी चार्ज करना भी है मुझे थोड़ी देर. ऑल्सो एम हैविंग माई इंटरेस्टिंग प्रोटीन पाउडर. ये एक्चुअली ब्रांड जो है वो शार्क टैंक में भी फीचर हुआ था और ये कच्चा आम फ्लेवर है. सी सो इंटरेस्टिंग. यू नो वॉट गाइज, इन द राइट टाइम आई हैव रिसीव्ड दिस पैकेज फ्रॉम अमेजोन, जहाँ पे मैंने कुछ और जिम असेंशियल्स को स्टॉकअप किया है. स्टॉकअप इन द सेंस क्योंकि जिम रोज जाते हैं. तो आई टोल्ड यू ना, मैंने बहुत सारी अफोर्डेबल चीज़ें मंगाई थी तो ये तो मुझे मिल गई थी. बट देन लेट्स सी व्हाट ऑल डू वी हैव इसमें. एंड वाटर बॉटल्स, जिम बैग, आई हैव ऑर्डर्ड सो मेनी थिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइस. फर्स्टली आई सी यहाँ पे रेड स्ट्राइप वाली, क्योंकि H&M वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है. सो आई थॉट ऑफ एडिंग वन मोर कलर, और रेड से बेटर तो क्या ही हो सकता है. एंड ऑल्सो इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है अच्छा खासा. डिड आई टेल यू द ब्रांड? दिस इज फ्रॉम ब्लिंकिन योगा पैंट्स बेसिकली. और उसमें आपको काफ़ी और कलर्स भी मिल जाएंगे, मतलब इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको ब्लू भी मिल जाएगा, ग्रे भी मिल जाएगा. आई वॉन्टेड सम पॉप ऑफ कलर, मतलब जो स्ट्रॉन्ग सा हो, एनर्जी वाला हो, तो रेड ही लिया मैंने. मैंने इसमें लिया है स्मॉल साइज. एंड यू ऑल्सो हैव द स्ट्रिंग हेयर. लेट मी क्विकली ट्राई इट ऑन एंड लेट मी शो यू कि इसका फिट कैसा है. लेट्स गो. ओ गॉड गाइज, आई हैव टू से आई एम ब्लोन विद द क्वालिटी ऑफ दिस. 359 रुपीज में दे आर एक्चुअली वेरी गुड. मेरा ना एक सेट पैटर्न था कि मुझे लगता था बियॉन्ड 700-800 रुपीज ये वेन यू स्पेंड ना तभी आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है, बट इट्स नॉट द केस विद दिस वन, स्पेशली द रेड स्ट्राइप, जहाँ पे आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे. सो यू गाइज कैन चेक इट आउट. एंड ऑल्सो Amazon पे ना अप टू 70% ऑफ आपको मिल जाएगा अभी एक्टिव वेयर पे, स्पोर्ट्स वेयर पे. तो आप बहुत सारी कैटेगरीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. डू चेक देम आउट. आई रियली गॉट देम ऑन ग्रेट डिस्काउंट. आई कैन से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना डिस्काउंट मिला है मुझे. एनी वे, लेट्स सी वॉट नेक्स्ट डू वी हैव इन दिस. आई हैव दिस सेलो का स्पॉटिगो करके वाटर बॉटल विच इज ऑफ 1000 ml, और उसको मैंने लिया था 258 रुपीज़ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एव एक्चुअली ऑर्डर अ बंच ऑफ थिंग्स, कुछ तो भी आने वाली भी होंगी. तो देर इज़ वन मोर थिंग विच इज आई एम एक्चुअली वेटिंग टू रिसीव, वो भी आएगी. इसमें यू गेट टू प्लास्टिक बॉटल्स लाइक दिस, और इसमें ना 1000 ml, मतलब 1 liter पानी आ जाएगा. आई एव गॉट अ पैक ऑफ टू, और ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल पड़ गया था. आई सी यू वॉन्ट टू कैरी नथिंग बल्की, बट थोड़ा सा स्टडी एंड रफ एंड टफ आप उसको यूज़ कर पाओ. सो आई थिंक इसमें कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी कूल लग रहे थे. सो आई गॉट देम. आई एम एक्चुअली सो हैप्पी टू बी रिसीविंग दिस. मैंने एक लोविया की टाइट्स ली हैं, और इसमें जो ये स्ट्राइप पैटर्न है ना, ये काफ़ी यूनिक लगा मुझे. और जब उसको डिफरेंट वेबसाइट से भी ले सकते हो, बट अमेजोन पर मुझे काफ़ी सही ऑफ पर मिली, दैट इज़ वाई आई चूज दिस. और मैंने इसमें साइज लिया है स्मॉल, मोस्टली मैं स्मॉल ही लेती हूँ. एंड ये 100% ब्लेंडेड फैब्रिक है इसका. आई सी द स्ट्रेच इज़ वेरी 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 गुड. तो आप अगर यू नो 28 अगर आपकी वेस्ट लाइन है, 30 भी है, तब भी आई थिंक ये अच्छा बैठ जाएगा. एंड इसमें आपको 3-4 कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, सो यू माइट वॉन्ट टू चेक दैम आउट. एंड नाउ लेट मी क्विकली ट्राई दिस ऑन एंड आई विल शो यू कि ये कैसी लगती हैं मुझ पे और इनका फिट वगैरह कैसा है. यार काफ़ी कूल लग रही है कलर में तो. ओके गाइस, सो आई हैव अ कंप्लेन. सो इट सेज इट्स अ हाई वेस्टेड, लाइक दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी वॉर्न. लेकिन जैसे ही मैंने इसको हाई वेस्ट चढ़ा रही हूँ ना, तो यहाँ पे कैमल टो फॉर्म हो रहा है, विच आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल. क्योंकि योगा वगैरह करते टाइम पे आई डोंट वॉन्ट मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो, या मैं बिल्कुल भी अपने कपड़ों पर ध्यान देने लग जाऊँ. आई डोंट वॉन्ट दैट. सो आई दो आई लव द पैटर्न, बट देन फॉर दिस ओनली रीजन आई एम आउट. नो इट्स नॉट अ शार्क टैंक. मैं वन साइज अब भी सोचूँ, बट देन द फिटिंग विल अगेन बी नॉट सो गुड ऑन मी. सो आई थिंक आई एम प्लानिंग टू रिटर्न दिस. सो आई I'm very sure that I'm planning to return this. And मैं क्लोविया के कुछ और ट्राई कर लूँगी, बट हाँ डेफिनेटली अमेजोन पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. सो यू माइट वॉन्ट टू चेक सम अदर ऑप्शन एंड नॉट दिस. और हर किसी का बॉडी टाइप अलग भी होता है, सो नॉट रियली श्योर, बट मेरे पे तो ये नहीं अच्छी लग रही. नेक्स्ट अप, दिस वॉज द ओनली पीस विच आई वॉज वेटिंग टू रिसीव. ओ माई गॉड, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा टॉप है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इनविंसिबल, और ये अभी मुझे जस्ट अभी रिसीव हुआ है. इट हैज़ वेरी नाइस कट आउट एट द बैक, सो इट हैज़ गॉट ओपन बैक, और ये ऑलिव कलर में है. तो मैं प्रीफर करती हूँ मोस्टली ज़्यादा डार्क कलर की टी शर्ट सी लूँ, ताकि वो ब्लैक टाइट्स होते हैं ना, मोस्टली बेसिक कलर मेरा ब्लैक ही होता है, तो उनके सबके साथ में बहुत अच्छे से यू नो कनेक्ट कर पाती हैं या अच्छी लगने लग जाती हैं. एंड ऑल्सो इसका ड्राई फिट टाइप का मटेरियल है, मेरे से ड्राई फिट बोला जा रहा है बार बार, आई डोंट नो. और मैंने इसमें लिया है स्मॉल साइज, उसका स्लिम फिट सा मटेरियल है. सो इट्स टाइम टू क्विकली ट्राई दिस ऑन, लेट्स सी कि ये कैसा लगता है. सो वेल, सो दिस इज हाउ दिस टॉप लुक्स ऑन मी. इट्स सो क्यूट एंड सो गुड लुकिंग. मतलब कभी कभी डीप लेग नेकलाइन और ये कुछ ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देती हैं, बट दिस काइंड ऑफ सेक्सी बैक कट आउट इज वॉट इज वेरी आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट. एंड ऑल्सो उसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी हैं, आई हैव टू चेक. व्हाट आई फील, थोड़ा सा सेक्सी है, काफ़ी अच्छा है टॉप, और काफ़ी अच्छा मोटिवेट भी करने वाला है, बिकॉज यू नो वैन यू लुक गुड ना, आप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है. सो फॉर दैट रीजन आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बट इफ आई लुक एट द प्राइस पॉइंट,
थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, विच इज़ अराउंड 549. मैंने इसको थोड़े से कम ही डिस्काउंट पे लिया था, बट देन यू कैन चेक अगेन ऑन अमेजोन, वहाँ पे आपको ग्रेट डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. सो या आई मीन लव दिस. व्हाट आई सी नेक्स्ट इज दिस फेरियानो करके कोई टाइट्स है. द गुड थिंग इसमें ये मुझे पॉकेट ऑलरेडी दिख रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैश डिटेलिंग दे रखी है द हेम. एंड ऑल्सो मुझे ये देखने पे थोड़ी सी फ्लिम्सी लग रही है, इज़ व्हाट आई कैन से. एंड थोड़ा सा मेरे को टू बिग लग रहा है फॉर माई साइज. लेट्स सी, मैंने इसमें मंगाया है स्मॉल साइज, बट लेट्स सी कि मुझ पर ये कैसा लगता है. लेट मी गो एंड क्विकली ट्राई दिस ऑन. आई मीन कब तक ट्रांजिशन देती रहूँगी. आई हैव टू से द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज रियली नाइस, एंड ऑल्सो इट इज़ अ स्टाइल अटैच टू इट, विच मीन्स थोड़ा सा मैश डिटेलिंग भी आपको मिल जाती है, जो मेरे पास आज तक किसी भी यू नो टाइट्स में नहीं थी. एंड सो फार द फिट इज़ ऑल्सो वेरी 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 नाइस. एंड ऑल्सो आई सी इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी हैं, सो आई लुक फॉरवर्ड टू ट्राई दैम इन डिफरेंट कलर्स टू. बट अगर मैश पैटर्न में अगर मुझे कुछ और भी मिल जाता ना, सो मैं शायद वो भी देख सकती हूँ. यू कैन चेक आउट, आई विल हैव ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड द बेस्ट थिंग, पॉकेट्स. You know, when I see pockets in my tights or pants or shorts now, I am sold. Like, can you guys believe I've come to an end of this video? So this, I actually really like the concept this video ka, jahan pe maine aapko first part mein dikhaya tha how I actually get ready for my workout. And then second part mein, bilkul right time pe mujhe receive ho gaye the ye affordable active wear, to maine aapko wo bhi dikha diye. And you know, it is actually very okay. Invest karna hai, aap karo. But then you can definitely give these pieces a try, kyunki ye kaafi zyada fun add kar lete hain. They'll actually very fun to wear. And also I've been very honest while you know talking about the reviews and the quality and how I actually felt about them, especially this color. Oh my god, I'm in love with this already. I actually see myself wearing it in so many different colors because of the back cutout that it has. मैं सभी के लिंक्स आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू गाइस कैन चेक इट आउट. एंड येस, डो नॉट फॉरगेट टू चेक आउट अमेजोन की जो सेल अभी चल रही है, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वेयर, एक्टिव वेयर पे, फुटवेयर पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. एंड डू यू नो, मैंने स्पार्क्स की जो फुटवेयर है ना, वो भी अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 15 days पहले अमेजोन से ही मंगाए थे, विच वॉज अमेजिंग. मतलब वो गंदे भी नहीं होते, ऐसा लगता है ना कि लाइट कलर है तो गंदे हो जाएंगे. इट वॉज नॉट द सीन विद दैट. एंड या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन, खुद को ताने के, खुद से प्यार करिए. सभी के लिंक्स मैंने आपको बताया था होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इस तरीके का कौन सा एक और वीडियो, एक और गेट रेडी विद मी आप देखना चाहते हैं, वो भी मेंशन करिए. और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच.